सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं, कुछ सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है, ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35A पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकलिटी पर करी। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं। किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है, वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे मैं पहले मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, कि अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देकर मान्यवर, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रत्ना हुई, देश भर में पाकिस्तान से निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है, अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ, इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल साहब। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां का न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए, ये कहां का न्याय है और क्यों अन्याय। मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रकोलित नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर गई, पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा।
इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। देश भर के अंदर स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगरपालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर 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 सुन सुन कर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सिद्धि कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचा। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ। 40,000 पद सरपंच सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5% 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किराए करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू कश्मीर का कितना किया। मान्यवर, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए, जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। 2,77,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी पैकेज के अलावा। माननीय, नीचे देखते हैं तो जमीन पर कुछ नहीं। मैं इसमें बाद में आता हूं क्यों कुछ नहीं हुआ, मगर 2011 और 12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3683 रुपया भेजा, 3683, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। कौन रोकता है? 370 रुपया। मान्यवर, 2017 से 2018 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो एक तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं, स्पर्धा ही नहीं होती है। और एक तीन परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, आज जो 370 की वकीलात करते हैं उनको, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया,
एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे अच्छों के चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है। और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो हल्ला। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहती। और मान्यवर क्या मिला घाटी के व्यक्ति को? देश आजाद हुआ देश भर में एवरेज कीमत एक एकड़ की 3,000 रुपया थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है, 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़े? राम गोपाल जी कह रहे हैं, मान्यवर आपके माध्यम से मैं, लखनऊ के आसपास कितना भाव हुआ, कितना रेट हो गया, तो श्रीनगर वाले को राम गोपाल जी अधिकार नहीं है क्या? हमें नहीं देना है क्या? क्यों रोक कर रखना है उसको? मान्यवर ये गरीबी जो वहां गई है, बढ़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 से है। मान्यवर भ्रष्टाचार अथाह हुआ, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। मान्यवर पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए तवा नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता। पर भला कौन जाएगा बाहर? पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है। खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा, वहां नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा। परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन कंपनी, मतलब ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती है, कोई बड़ी कंपनी वहां होटल भी नहीं बने। वहां हजरतवाल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ढेर सारी रिलीजियस टूरिज्म की संभावना भी वहां पर पड़ी है, मगर इसका इसको ढंग से सभी संभावनाओं को उसका दोहन नहीं हो पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर। मान्यवर विकास भी नहीं हुआ। कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो मुझे जरा समझा दे, 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा, वो कैसे लगाएगा? और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां जाकर लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पंजाब से जाकर, हिमाचल से जाकर, 35 और 370 है, वो कहां से लगाएगा? क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखते हैं? मान्यवर मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला, घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है? हाँ भाई बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी 370 चालू रखो, तनख्वाह 5,000 मिलती है 15,000 हो जाएगी 370 चालू रखो। और संस्कृति भाषा, बाकी सारे राज्य, इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? विलोपित हो गया भारत में? आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची। मैं इस पर मान्यवर बाद में आता हूं। आरोग्य हेल्थ, उसकी भी हालत वहां पर खस्ता हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है देश भर में,
सरकार है, इस देश का अकेली सरकार है, इस देश के हेल्थ को अप टू मार्क नहीं रख सकती। कई जगह पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया, कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहां ना पीपीपी मॉडल भी हो सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए? और क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहां? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया, नर्स कहां, डॉक्टर कहां? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के डॉक्टर आते हैं देश के आप, मगर उसको घर खरीद करने की वहां पर परमिशन है। मान्यवर, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं 4 पैसा कमाऊंगा या इन्वेस्ट करूंगा तो वो सलामत है, कोई नहीं जाता मान्यवर। और इसके कारण ये आरोग्य पर भी ढेर सारी जो कमियां दिखती है उसका मूल कारण भी 300। मैं बहुत शॉर्ट में आंकड़े के साथ मैं डिटेल में भी बता सकता हूं, आंकड़े तो मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी साहब को भेजने भी वाला हूं कि भाई देखिए आप भी पुनः विचार करिए जरा, अभी भी समय है। मान्यवर, शिक्षा, देश भर के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया, संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, क्यों कश्मीर के घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के एडवोकेट ने देना। क्यों नहीं मिला उनको वो अधिकार? क्योंकि यहां संविधान का हमने जो सुधार किया वहां स्वीकृत नहीं किया। अब कोई जरूरत नहीं है, कल अगर लोकसभा इसको पारित करती है तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा। मान्यवर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति नहीं हो सकती, एप्रिसिएशन होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन बोला जाकर वहां खोले? और क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं तुमसे, कारण क्या है? मैं नहीं समझ पाता मान्यवर, कोई कारण हो तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे, आप इंदिरा जी को अलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित कर इस देश की डेमोक्रेसी को, और हमें उपदेश देते, हमें उपदेश देते। मान्यवर, मैं बताता हूं, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और 7 अर्थ में जम्मू कश्मीर, ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। शेड्यूल बता दें, शेड्यूल 1 में जम्मू कश्मीर राज्य है, गुलाम नबी साहब ने बताया कि शेड्यूल 1 में जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। और अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून को पारित किया मान्यवर, वो वहां पहुंचता ही नहीं। गुलाम नबी साहब ने मान्यवर मुझे कहा, मुझे एड्रेस कर कहा कि इंटरस्टेट शादियां होने लगी, अब सुनते नहीं है साहब, मेरा थोड़ा गुलाम नबी साहब सुन ले,
मान्यवर उन्होंने कहा इंटरस्टेट शादियां हो रही, मुझे बताइए साहब इंटरेस्ट एक जम्मू कश्मीर की बच्ची ने किसी ओडियावासी से शादी कर दी तो उसको और उसके बच्चों को वहां पर कोई अधिकार मिलने वाला है क्या? आप खुश हो रहे हैं शादियां हो रही है, ये शादियां तो कानून नहीं है फिर भी हो रही है, एक बार खुला कर दो जम्मू और कश्मीर सात अर्थ में हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक मेंटल बैरियर है, ये वोट बैंक की राजनीति है और एक खामखा बोझ लेकर कुछ लोग घूमते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मान्यवर कुछ नहीं होने वाला है। मान्यवर शिक्षा के अधिकार को वहां ले जाना है तो भी 370 चाहिए, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून जो बने हैं और उनको महिलाओं को उनके बच्चों को अगर अधिकार देना है तो भी 370 चाहिए। मान्यवर ये 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि वहां कितना परसेंट ओबीसी है? मान्यवर आपके माध्यम से मैं रामगोपाल जी को भी पूछना चाहता हूं क्योंकि पार्टी तो ओबीसी की खैरख्वाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। आपको मालूम है रामगोपाल जी वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है, ट्राइबल्स को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसीलिए आज बहन मायावती की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, इसके पक्ष में वोट सुन रहा था सर। मान्यवर कब तक इनके साथ अन्याय करें? और ये जो ट्राइबल है सिर्फ हिंदू नहीं है, जो कहते थे वोट बैंक हम वोट बैंक की भाई, वो तो गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, उनको भी रिजर्वेशन से वंचित करा है। कोई ये तो समझा दे प्राप्त क्या होगा। बिल 11 बजे लिए, 11 बजे चर्चा कर ली, 370 ऐसे ही आप बदल देते हो। कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मुझे भी मालूम है कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आए हूं कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है। हर लीगल मान्यवर दलित आदिवासी ट्राइबल इसके लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसका कारण भी 370 है। अब मान्यवर मैं आता हूं आतंकवाद पर। मान्यवर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर समय समय पर ये 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की, नाराजगी की भावना को पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। मान्यवर आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं, चलो एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया? किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली, जवाहरलाल जी जो चालू कर आए थे वही पॉलिसी चल रही है। किसकी जिम्मेदारी है इसकी? क्यों मारे गए? मान्यवर स्वायत्तता की मांग उठी। पाकिस्तान 3 युद्ध हारने के बाद 1988 में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपेक को स्वीकृतियां दी, इसके अंदर भी 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा है ये 370 कलम जब तक है तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता, एक ग्रुप ऐसे खड़े करिए जो कश्मीर के युवा को गुमराह करे और भारत की मेन स्ट्रीम से अलग करे। और 88 में ऑपरेशन टोपेक की शुरुआत हुई, नियास 89 से यहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पूरे पाक प्रेरित जो ग्रुप्स हैं आतंकवादी हैं वो तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता?
क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात में भी पाकिस्तान की बॉर्डर है। क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता? क्योंकि वहां 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं। माननीय 370 ने समय समय पर जब भी आतंकवाद खत्म होने की कगार पर आता है 370 को लेकर कुछ लोग ये चीज को बढ़ाना शुरू करते हैं। और मैं मानता हूं माननीय हुर्रियत, ISI, घुसपैठिए, इस सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह करा है। और 1990 से 2018 तक 41,894 लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़े हैं। माननीय ये आंकड़ा छोटा नहीं है, रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों ऐसी शुभकामनाएं देते हैं भैया? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, आप कहिए कि भाई चलो सब अच्छे से हो, शांति से हो, क्या संदेश जाएगा घाटी में? आप यहां खड़े रह होकर कहोगे रक्तपात हो जाएगा? हम क्या ये सदन रक्तपात कराना चाहता है? ये सदन घाटी में क्या संदेश डालना चाहता है? क्या आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में? उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का? और साहब ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर पढ़ाई करते हैं। जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या है। 370 के जितने एडवोकेट्स हैं इनके बेटे कहां पढ़ते, पूछिए साहब।